What's up everybody and welcome back to another video. आज हम लोग इसे माइनक्राफ्ट में देखने वाले टिकटॉक के कुछ अमेजिंग वायरल हैक्स जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल वर्ल्ड में और हीरो ब्राइन एसएमपी में हमारे गेम को और मजेदार करने के लिए। अब ये टिकटॉक वायरल हैक्स के वीडियोस में हम लोग ऐसे चीजें सीखे हैं जो चीजें हमें माइनक्राफ्ट में कभी पता नहीं थी और मोस्ट प्रोबेबली आज हम लोग वैसे और कुछ चीजें सीखने वाले। सो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का पहला टिकटॉक हैक। ओके, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्सीडियन लगा के और आई थिंक हम लोग ऑब्सीडियन से नदर पोर्टल बना रहे हैं। एग्जैक्टली, पर ये आयरन ब्लॉक क्यों लगा रहा है पीछे? ओ आई गेट इट, ये क्या करने वाला है? ओ यस, ये बंदा ऑटोमेटिक, एक सेकंड, सबसे पहले ये मोटिवेशनल म्यूजिक क्यों लगा रहे हो यार? तू यार नेदर पोर्टल बना रहा है माइनक्राफ्ट में कि मोटिवेट कर रहा है? तू क्या माइनक्राफ्ट खेल रहा है कि संदीप महेश्वरी बन रहा है? हाँ, तो आई थिंक ये बंदा माइनक्राफ्ट के अंदर रेडस्टोन से एक ऐसा नेदर पोर्टल बनाएगा जिसको हम ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब तुम लोग बोलोगे इसकी जरूरत माइनक्राफ्ट के अंदर क्या है? जरूरत वैसे तो कुछ है नहीं, पर ये बहुत कूल दिखता है। ऑलराइट, तो इसके नेदर पोर्टल के पीछे हम लोग को लगाना है दो डिस्पेंसर्स या ड्रॉपर्स, आई थिंक डिस्पेंसर्स है, और फिर उसके नीचे हमें ऐसे पिस्टन लगाना है, उसके आगे ऑब्जर्वर लगाना है। ओ भाई, ये इतना कॉम्पैक्ट में कैसे कर लिया? व्हाट, ये कुछ ज्यादा ही कॉम्पैक्ट है। शिट, ओ भाई क्या बनाया, लिटरली एक लीवर स्विच करते नेदर पोर्टल ऑन हो जाएगा और नेदर पोर्टल ऑफ हो जाएगा। व्हाट द हेल। तो जल्दी चलते माइनक्राफ्ट के अंदर ट्राई करते हैं इस टिकटॉक हैक को। ऑलराइट, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर एक नेदर का पोर्टल बना लेना पड़ेगा। ये हाइट का, आई थिंक मैंने इसका हाइट सही बनाया, और उसके बाद हमें यहाँ पर पीछे आयरन के ब्लॉक्स लगा देने, और आयरन के ब्लॉक्स लगाने के बाद उस आयरन ब्लॉक्स के ऊपर लगाने हमें दो डिस्पेंसर्स। अभी ये जो दो डिस्पेंसर्स है, ये दो डिस्पेंसर्स ड्रॉप करने वाले वाटर और फ्लिंट एंड स्टील। तो अगर तुम लोगों को पता नहीं कि माइनक्राफ्ट में नेदर पोर्टल काम कैसे करता है, अगर तुम ऐसे ऑब्सीडियन के फ्रेम के अंदर फ्लिंट एंड स्टील या कुछ भी आग मारते हो वो जल जाएगा, और अगर तुम्हें इसको बंद करना है तुम्हें बस लिटरली यहां पर ऐसे पानी डाल देना जिससे वो बंद हो जाएगा। तो ये जो दो डिस्पेंसर्स है वो इसी चीज को यूज करने वाले। ये लिटरली एक है जो यहां से फ्लिंट एंड स्टील छोड़ेगा और दूसरा जो पानी एक सेकंड में छोड़ेगा और उसको वापस खींच लेगा। तो ये जो हमने अभी यहां पर किया, बेसिकली ये पानी को छोड़ेगा एक सेकंड के लिए और वापस खींच लेगा जिससे नेदर पोर्टल बंद हो जाएगा। तो जल्दी चल के इसको पहले बना लेते पूरा। तो अभी हम लोगों को सबसे पहले लगाना है यहाँ पर एक स्टिकी पिस्टन, उसके आगे लगाना है हमें एक ऑब्जर्वर। अब ये जो स्टिकी पिस्टन है, ये स्टिकी पिस्टन इस ऑब्जर्वर को आगे छोड़ेगा इस नॉर्मल से पिस्टन के तरफ। अभी तुम लोगों को दिखाओ, तो ये इस तरह जैसे वो आगे जाएगा ये पिस्टन को एक सिग्नल मिल जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा। तो ये पिस्टन लगने के बाद हमें उसके ऊपर एक टेंपरेरी आयरन ब्लॉक लगाना है, उसके ऊपर लगाना है एक ऑब्जर्वर, फिर इस आयरन ब्लॉक को तोड़ सकते हैं और उसके ऊपर लगा देना है एक और आयरन का ब्लॉक। तो अभी बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे ही इससे पावर जाएगा यहां पर, इससे पावर जाएगा यहां पर, इससे जाएगा ये ब्लॉक पे, ये ब्लॉक से जाएगा इस डिस्पेंसर पे, और ये डिस्पेंसर यहां पर छोड़ देगा अपने उसके अंदर जो भी है। तो अगर ये फ्लिंट एंड स्टील है तो मैं अगर इसको ऐसे यहां पर लगाऊं तो ये जल जाएगा। ओ यस, बट अभी अगला हमें वो करना है जिससे ये लीवर को बंद करते ही ये सीधा टूट जाना चाहिए। तो मैं पहले इसको तोड़ लेता हूं। अबे टूटेगा नहीं क्या ये? हेलो, अबे मैं नेदर में कुछ चला गया। अबे यार मेरे को नेदर में नहीं जाना था यार, मेरे को उसको तोड़ने का था। ओके, वापस चलते ओवरवर्ल्ड में। सॉरी, गलती से मैं नेदर में घुस गया यार। ओके, हमने इसको जिस तरह से तोड़ लिया, अब इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे यहां से। तो हमने अभी इस नेदर पोर्टल को ऑन करने का जो मैकेनिज्म है उसको बना लिया। अभी हमें अगला वो मैकेनिज्म बनाना है जिससे इस नेदर पोर्टल को हम लोग ऑफ कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए हमें सबसे पहले यहां पर एक रेडस्टोन का टॉर्च लगाना है, और इस रेडस्टोन के टॉर्च के ऊपर लगाना है हमें एक ब्लॉक, और इस ब्लॉक के ऊपर हमें एक और रेडस्टोन का टॉर्च लगाना है। इसके बाद हम लोग ये लीवर को लेंगे और लीवर को लगा देंगे यहां पर जो एग्जैक्टली इस रेडस्टोन टॉर्च के पीछे है। अब तुम जैसे ही इस लीवर को फ्लिक करोगे ये चीज ऑन हो जाएगा, और जैसे तुम इसको ऑफ करोगे वो चीज ऑफ हो जाएगा। अभी आई थिंक सो उस वीडियो में जैसा दिखाया था मैंने पूरा वैसे के वैसे ही किया है। अभी अगर ये काम नहीं किया तो लफड़ा हो जाएगा। आई थिंक मुझे पानी यहाँ पर डालना है, आई डोंट नो, मुझे शायद से इसको यहाँ डालना है, पानी को यहाँ डालना है। ओके, ट्राई करके देखते हैं, अगर ये चल गया तो सही किया, अगर ये नहीं चला तो हमने क्या गलत किया हमें वो देखना है। अबे ये ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया? ओ भाई, ओए हेलो,
एक्सक्यूज मी सर, हम इधर वीडियो बनाती, तुम इधर क्या करने को आती? गु खाती यहाँ से, दूर जाती? हाँ वेरी गुड, जाती जाती। ओके, तो अभी चल के इस लीवर को फ्लिक करेंगे। अगर सब कुछ सही है तो चल जाएगा, अगर सब कुछ नहीं है तो ऑफ कोर्स नहीं चलेगा, और फिर कुछ जुगाड़ लगाएंगे चलाने का। तो इसको ट्राई करते हैं, 3, 2, 1। ऐसा नहीं करने का था। ये पानी निकालो, इसको निकालो। आई थिंक मैंने उल्टा डाल दिया। फ्लिंट एंड स्टील लेफ्ट राइट में जाएगा, पानी लेफ्ट में जाएगा। तो अभी इसको ट्राई करते हैं। ओके, 3, 2, 1, गो। ओ यस। और अगर मैं इसको बंद करूं, ये लीवर को बंद करती, नेदर पोर्टल यहां से बंद हो जाना चाहिए। तो 3, 2, 1, गो। एक्सक्यूज मी। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर तुमने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन उसके पास जाएगा, ऐसे 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 के मार देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। और अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। आज की वीडियो का लाइक को रखते हैं 75,000 लाइक्स का, जल्दी लाइक करो। आपको बंद होने का था। ये पिस्टन यहाँ पे अटक काहे को गया? अबे ये पिस्टन को पावर कौन दे रहा है? ये रेस्टोरेंट को अगर मैं तोड़ दूं, अबे व्हाट द हेल भाई, जादू है, चमत्कारी पिस्टन। गाइस एक बार ध्यान से देखो, ये पिस्टन के दूर दूर तक कोई भी रेस्टोरेंट का सोर्स नहीं है। मैं इस टॉर्च को भी तोड़ के देखता हूं। व्हाट द हेल भाई, यहां पे कुछ नहीं है, वो पिस्टन चालू कैसे है? अभी बंद हो गया, बड़ा नूबड़ा है। मैं पहले यहां लगा लेता हूं, फिर इसको यहां लगाता हूं। ओ, पानी काम कर गया पर पानी अंदर नहीं गया। ये चीज जो उसने वीडियो में दिखाया था वो चीज डेफिनेटली काम नहीं करता है। एंड देयरफॉर लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा जो पहला माइनक्राफ्ट टिकटॉक हैक है वो काम नहीं करता। अभी चलते हैं दूसरे टिकटॉक हैक की तरफ। ओके, अगले में अपन ने ग्राउंड में 4 खट्टे ऐसे खोद लिए, ठीक है, और यहां पे 2 ऑब्जर्वर्स लगा दिए। ओके, और हमने वो डिस्पेंसर में बहुत सारे रॉकेट भर दिए। तो अभी क्या, दरवाजा बंद करते रॉकेट शो चालू कर देगा? ओ नाइस। मेरे को पता नहीं सब लोग क्या करेंगे, पर ये जुगाड़ अच्छा है। ये दरवाजा बंद करते अपने आप ढेर सारे रॉकेट छोड़ना चालू कर देगा। ओके, हम लोग आगे माइनक्राफ्ट के अंदर चल के इसको ट्राई करने वाले। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ऐसे 4 लाइन में खड्डे खोदने थे, हमें इस तरह से खड्डे खोदने थे। आई होप सो मैं सही कर रहा हूँ। हमें उसके बाद यहाँ पर एक ऑब्जर्वर ऐसे लगा, अबे ऐसे ऐसे लगाना है, उसके पीछे एक और ऑब्जर्वर जाएगा बिल्कुल ऐसे। 2 ऑब्जर्वर लग चुका है, ये कॉन्स्टेंटली अपना पावर देना चालू कर दिया है। फिर हम यहां से ग्रास ले लेंगे, ग्रास लगा देंगे, उसके बाद ऊपर डिस्पेंसर लगा देंगे, और डिस्पेंसर लगाते डिस्पेंसर कंटिन्यूअसली चलना चालू। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें शायद से एक रेडस्टोन का डस्ट लेना है, उस डस्ट को हमें यहां पर लगाना है, और उस डस्ट के ऊपर हमें लगाना है यहां पर एक रेडस्टोन का आयरन का ट्रैपडोर, और फिर इससे हम इसको ऐसे बंद कर सकते हैं। ओह यस। तो जैसे हम इस लीवर को ऑन करेंगे ये चीज बंद हो जाएगा, और अभी अगर हम लोग यहां पर बहुत सारे फायरवर्क्स भर दे और इसको हम ऑफ कर दे तो ये चीज एग्जैक्टली सही से काम कर रहा है। नाइस। तो मेरे पास ना अभी एक मस्त आइडिया है, ये जो फायरवर्क लॉन्चर हमने अभी बनाया है इस चीज को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक वेपन में। अभी इमेजिन करो, ये जो वॉल है ये किसी का कासल है, और इस वॉल के ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है एक डिस्पेंसर। अभी हम लोग इस डिस्पेंसर में पावर को लेकर आएंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक ऑब्जर्वर को लगाना है, और हमें उसके पीछे एक और ऑब्जर्वर लगाना है, उसके आगे लगाना है हमें ये डिस्पेंसर। अभी इस ऑब्जर्वर के ऊपर लग जाएगा अपना रेडस्टोन का डस्ट, और रेडस्टोन के डस्ट के जस्ट बाजू में हमारा ये ऐसा एक लीवर लग जाएगा जिससे वो डिस्पेंसर चलना बंद हो गया है। और अगर हम लोग अभी इस डिस्पेंसर, ओ तेरी, मेरे पास एक और मस्त आइडिया है, रुको रुको रुको, मेरे पास और खतरनाक सा आइडिया है। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे डबल वॉल कर दिया है, मतलब यहाँ पर एक 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 का गैप है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर से हम लोग डाल देंगे लावा, ठीक है। इस लावा को डालने के बाद हम लोग नीचे के इस ब्रिक को तोड़ देंगे तो हम लोग इजीली, नहीं ये नहीं, ये नहीं, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का था, रुक जाओ जरा।
ओके, तो हमने यहाँ पर ऊपर से लावा डाल दिया है, वो लावा लिटरली नीचे चला गया है और यहाँ पर हमने एक ब्लॉक को खोद दिया है। तो अभी अगर तुम इसको तुम्हारे कासल के वॉल पे बना दो, तुम्हें बस यहाँ से नीचे आना है, इस पे क्लिक करना है, तुम्हें एरोस को लेना है, तुम्हें यहाँ पे इस तरह से एरोस पूरा भर देना है और उसको भरने के बाद तुम्हें जैसे ही मालूम पड़ता है सामने से तुम्हारे कासल में कोई अटैक करने आ रहा है, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर आना है और इस लीवर को पुल करना है और तुम्हारे यहाँ से लगातार फायर एरोस, ओए फायर एरोस मार, बड़ा बेशर है, फायर एरोस मार, मतलब 10 में से एक फायर एरोस जाएगा, पर देन लगातार इतने सारे तुम्हारे एरोस जाएंगे। नाइस, हमने उस टट्टी से फायरबग लॉन्चर को लिया और उसका हमने लिटरली एक खतरनाक सा ओपी सा वेपन बना दिया। ये कितना फास्ट एरोस मार रहा है यार, कितना फास्ट, इमेजिन करो तुम एक की जगह 10-15 लाइन में लगा दो तो खत्म भाई, मजा आ जाएगा। अगला टिकटॉक हैक। ऑलराइट, अगले हैक में हमने फिर से डिस्पेंसर लगाया और नीचे बहुत सारे कैंडल्स लगा दिए और उस पर भर दिए फायर चार्ज। वेट अ सेकेंड, हम लोग फायर चार्ज से कैंडल को चला सकते हैं? वेट व्हाट, मेरे को ये बता नहीं था हम लोग एक्चुअली फायर चार्ज से कैंडल को जला सकते हैं। आई मीन थोड़े टाइम पहले मेरे को ये भी नहीं पता था कि हम लोग फायर चार्ज से नेदर पोर्टल को जला सकते हैं। तो ऑफ कोर्स हम लोग कैंडल को जला सकते हैं अगर हम लोग फायर चार्ज को लेके ऐसे मारे तो ये फायर चार्ज से नेदर पोर्टल भी जलता है। तो अब ये काम करते हैं, यहाँ पे लगाते बहुत सारे कैंडल और अगर मैं इस कैंडल को फायर चार्ज फेंक के मारूं तो ये चालू हो जाएगा। व्हाट, मेरे को ये चीज बिल्कुल नहीं पता थी। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स लगाते और हम लोग, नहीं एक सेकंड, अगर हम लोग डिस्पेंसर को बहुत ऊपर लगा दे तो क्या होएगा? तो अभी मैंने डिस्पेंसर को बहुत ऊपर लगा दे, इसमें फायर चार्ज भर दिया है और अगर मैं इस फायर चार्ज को चालू करता हूं ओके, आई थिंक इतने दूर से वो काम नहीं करेगा, थोड़ा सा इसको अपने को नीचे लेके आना पड़ेगा, ज्यादा 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 दूर हो गया, इतना भी दूर से इतना भी काम नहीं करेगा वो। तो अभी हम लोग इसको ऐसे लगाते और चालू कर दे तो यस, कैंडल्स जल जाएंगे, फायर चार्ज से कैंडल्स एक्चुअली जलते हैं। ये ट्रिक मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था और ये भाई जलते ही बुझ गए और नहीं वापस चालू हो गए। मेरे को पता नहीं ये चीज किस काम आएगा, ये थोड़ा सा यूजलेस सा माइनक्राफ्ट का हैक है, बट देन ये भी एक हैक है, अगर तुमको कुछ करना हो तो तुम लोग इसको कर सकते हो, बट मुझे पता नहीं कोई इसको क्यों करना चाहेगा। बट एनीवे, नेक्स्ट माइनक्राफ्ट हैक, अगला हम लोग जिसका माइनक्राफ्ट हैक देखने वाले उसके चैनल का नाम है स्टबर्न इंसान और उसका प्रोफाइल पिक्चर उसका प्रोफाइल पिक्चर अज्जू भाई वाला है, पर उसने नाम बदल दिया स्टबर्न इंसान। नाइस, अज्जू भाई का प्रोफाइल पिक्चर चिपका दिया भाई, अभी नाउ स्टबर्न इंसान। तो माइनक्राफ्ट टिकटॉक हैक जहां पे सिखा रहा है कि रेल्स कैसे बचाते हैं। वेल एक सेकंड, हमको रेल बचाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास लिटरली रेल डुप्लीकेटर है, हमें जितने चाहिए हम उतने रेल ला सकते हैं। हम लोग स्काई रेल को पूरे माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में इन्फिनिटी तक बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास डुप्लीकेटर है। तुमने देखा हमारा स्काई रेल कितना अमीर है, हमने सादा रेल यूज किया ही नहीं, ना 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 ना, नॉर्मल रेल को हम हाथ लगाते ही नहीं है, हमारे पूरे के पूरे स्काई रेल में सिर्फ पावर रेल लगा हुआ है, मतलब अमीरी तो है। पर फिर भी यार चल के जान लेते हैं कि रेल कैसे बचाना है। ओके, तो हमें सबसे पहले लाइन में ऐसा एक प्लैंक्स लगाने हैं वुड के, उसके बाद हमें एक एक ब्लॉक बीच में तोड़ दें। ऑलराइट, इससे क्या होगा? व्हाट? तो हमें ये क्या कर रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ओके, तीन माइनकार्ट प्लेस किया, करना क्या चाहता है बंदा? माइनकार्ट में बैठ गया और माइनकार्ट, ओ वेट व्हाट, ये चीज काम करती है? ओके, इस चीज को तो मैं बिल्कुल ट्राई करता है। सबसे पहले हम लोग लगा देंगे ऐसे लाइन में बहुत सारे वुडन प्लैंक्स जो उसने किया था, फिर हम लोग इसको ऐसे एक एक करके बीच से तोड़ते रहेंगे और हमने इतने सारे तोड़ दिए। अब इसको तोड़ने के बाद हमारे पास तीन बचते हैं, तो हमें लगाने हैं तीन पावर्ड रेल और उस रेल के बाद हमें यहाँ पे डालना है तीन माइन कार्ट। अबे बैठ क्यों जा रहा है, एक, अबे रुक जाओ, बिना बैठे माइन कार्ट लगा रहे हैं, एक दो, अबे लगा, एक लगा लिया, दो तीन, ओके तीन माइन कार्ड लगाने हैं। अभी हमें माइन कार्ड के अंदर बैठना है और अभी अगर मैं इस रेडस्टोन टॉर्च को यहाँ पर लगाऊं और मैंने सब कुछ सही से किया है और ये चीज अगर काम करती है तो अभी हम लोग सीधा उड़ते हुए एंड तक जाएंगे और ये टिकटॉक हैक काम कर जाएगा। ऑलराइट, सो 3-2-1, ओह
वेट व्हाट, ये एक्चुअली काम करता है? अबे ये चीज एक्चुअली काम करता है? बट अगर मुझे वापस जाना हो तो मैं क्या करूं? ये नहीं करना था। ओके ओके ओके, एक काम करते हैं यहाँ पर भी ना हम लोग सेम चीज करते हैं जो हमने ना वो साइड में किया है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को इस तरह से एक प्लेटफॉर्म आना पड़ेगा, यहाँ पे लगाने 3 माइनकार्ट्स और हमें फिर यहाँ पे डालने 3 माइनकार्ट्स, 1 2 3। अब इस पे बैठ जाएंगे, इस पे बैठने के बाद अगर हम यहाँ पे टॉर्च लगा दे तो ये यहाँ से उल्टा जाने लग जाएगा। पर अब सवाल ये है कि क्या यहाँ पे टच करके वापस जाएगा? ओ यस, ये 3 माइनकार्ट मिलके वापस। अच्छा मतलब ये ऐसे काम नहीं करता, ये सिर्फ एक टाइम के लिए काम करता है। बार बार कीड़े नहीं करने का बच्चा लोग, ये इतना भी इतना लाड़ प्यार अच्छा नहीं होता बार बार कीड़ा नहीं करने का। बट देन गाइस, ये जो माइनक्राफ्ट हैक है इट वर्क्स। ऑलराइट, तो इसमें हम लोग पहले खड्डा खोद रहे गहरा सा। ओके, बहुत डीप हमने खड्डा खोदा है, बहुत अंदर तक खोदा है। और यहाँ पे लगाने 2 ऑब्जर्वर जिससे एक कॉन्स्टेंट रेडस्टोन का ऐसा ब्लिपिंग सिग्नल आएगा। उसके ऊपर ऑब्जर्वर्स और उसके ऊपर हमें लगाने पिस्टन्स। क्या बना कह रहे हम लोग? मुझे उसका इन्वेंटरी देख के लग रहा है कि वो एक कॉबल स्टोन जनरेटर बनाएगा। ओ वेट वेट, क्या वो अनब्रेकिंग वॉल बना रहा है? ओ यस, वो एक्चुअली अनब्रेकिंग वॉल बना रहा है। ये एक्चुअली अनब्रेकिंग वॉल है। Oh nice, I like it. तो कुछ वीडियो पहले जब मैंने अनब्रेकिंग वॉल बनाया था, मैंने उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था, क्योंकि मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे को चीजें कॉम्प्लिकेट करना पसंद है, तो मैंने उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया। पर इस बंदे ने इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताया, तो इसको मुझे एक बार ट्राई करना है। ओके, तो अभी गेम के अंदर हम लोग को यहाँ पे बहुत ही डीप से खड्डे खोदने। आई डोंट नो मैं कितना डीप खोदना चाहिए हमें। आई थिंक हमें एक एक ब्लॉक और खोदना है, आई थिंक सो, क्योंकि यहाँ पे लगेगा रेड स्टोन, फिर आएगा ये, फिर आएगा ये। ओके, आई थिंक मुझे इसको थोड़ा और खोदना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक हमने इसको ज्यादा खोद लिया है, पर थोड़ा और खोद लेते हैं। पता नहीं इतने क्यों खोद रहा हूँ मैं, बट ठीक है चलो। तो अभी हमें यहाँ पे लगाना है एक ऑब्जर्वर, उसके पीछे लगाना है एक और ऑब्जर्वर, फिर हम लोग लगा लेंगे रेड स्टोन का डस्ट पूरा एंड तक, और उसके बाद उसके ऊपर आएंगे बहुत सारे ऑब्जर्वर एक एक करके, और उसके ऊपर आ जाएगा पिस्टन जो कि लगते ही चलना चालू। और एक्चुअली ये पिस्टन सारे एक साथ क्यों चल रहे हो? थोड़ा रुक रुक के चलो आराम से। पर नहीं, एक्चुअली लोग एक साथ ही चलेंगे। एक सेकंड, अगर मैं चाहता हूँ कि ये आराम से रुक रुक के चले तो पता है उसका एक जुगाड़ है मेरे पास, क्योंकि अगर वो टिकटॉक हैकर ने देखा था तो उसके वीडियो में ना वो चीज एक एक करके रुक रुक के चल रही है, और हमारे यहाँ पे ये कॉन्स्टेंटली फास्ट चल रहा है। और आई थिंक मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम अनब्रेकिंग वॉल बनाने में यही था कि अगर ये सिग्नल कॉन्स्टेंटली आ रहा है तो पिस्टन जो है आधे टाइम कहीं कहीं पे ना वो स्टोन कॉबलस्टोन को जनरेट करता ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग ना ये रेडस्टोन के डस्ट को हटा देते हैं और उस डस्ट की जगह हम लोग लगाते हैं रेडस्टोन के रिपीटर्स। अभी जो रिपीटर्स है वो कंटिन्यूअस काम तो नहीं करेंगे, वो एक एक करके एक एक को जलाते रहेंगे। तो यहां पर लाइन में हम लोग अभी ऑब्जर्वर्स को लगा लेते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग पिस्टन्स यहां पे लगाए तो आप लोग देखोगे कि कॉन्स्टेंटली वो काम नहीं करेगा, पर ये एक एक करके काम कर रहा है। ओके, ये बनाने के बाद यहां पे बहुत ही ज्यादा आवाज हो रहा है। ये आवाज को सहते हुए हम इधर अपना काम करेंगे। लिटरली बहुत ज्यादा आवाज हो रहा है, लिटरली बहुत कुछ ज्यादा ही आवाज हो रहा है। और हम लोग यहाँ पर डाल देंगे वाटर, पानी यहाँ पर से नीचे जाता हुआ। उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है लावा, आई थिंक सो, मैं सही डाल रहा हूँ? ओ यस, मैंने बिल्कुल सही डाला है। तो ये लावा पूरा यहाँ से डाल देंगे। लावा डालने के बाद हमें इसको एक्चुअली यहाँ से बंद कर लेना है, और ये एक बार बंद हो गया। ये इतना आवाज क्यों करता है? ओ, ये बंद तो हो गया पर ये ऊपर नहीं जा रहा है। ओके, मैं हक दिया, सॉरी। इसको हमें एक ब्लॉक नीचे करना था। और तो अभी हमें लावा को यहाँ पर लगाना है, और ये लावा इधर लगते ही वॉल बनना चालू हो गया। और अभी अगर हम लोग इसको ऐसे बंद कर ले तो किसी को समझेगा भी नहीं कि नीचे क्या बना हुआ, और लिटरली जमीन के बीच से अनब्रेकिंग वॉल टूटता हुआ। ये बीच का क्यों नहीं काम कर रहा है? ये देख रहे हो इसको अलग चर्बी, देख रहे हो इसको अलग चर्बी, ये दीवार को अलग चर्बी, सब कुछ है पर काम नहीं करना है। आई थिंक उस बंदे ने ना इसको बेडरॉक में बनाया था, और ये शायद से बेडरॉक में बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर हम लोग इसको अभी तोड़ेंगे तो ये रिफिल होता जाएगा, बट देन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये सिंगल लेयर है तो ये बहुत जल्दी टूट सकता है। अगर हम लोग को इसको लिटरली अनब्रेकेबल बनाना है तो हम लोग को मल्टीपल कॉबलस्टोन जनरेटर यूज करना पड़ेगा एक लेयर के लिए। बट देन ये जो टिकटॉक माइनक्राफ्ट हैक है ये काम करता है। चलते अपने अगले हैक की तरफ। ओके, हम लोग यहाँ पे ड्रैगन का हेड यूज कर रहे हैं और क्वार्ट्स का स्लैब। हमें 3 ड्रैगन के मुंडिया, भाई ये ड्रैगन से क्या करवा रहा है यार?
वेट व्हाट भाई, ये क्या बना है? अबे ये मस्त है, अबे ये स्माइली मस्त है, लिटरली बस ड्रैगन के हेड से हम लोग ही कर सकते हैं। सीरियसली भाई, हम लोग बस ड्रैगन के हेड से ये सब बना सकते हैं? भाई मेरे को ये ट्राई करना है, मेरे को ये ट्राई करना है। तो अगर हम लोग ड्रैगन के हेड को लेकर हम लोग अगर एक हेड ऐसे लगाएंगे और एक हेड हम लोग ऐसे लगाएंगे। आई होप मैंने सही लगाया, आई होप सो। कैसे लगाना था? अबे ये टूट क्यों रहा है? ओके, एक को सीधा लगाना है, फिर इसको टेढ़ा करना है और इसको टेढ़ा करना है, और अभी हमें यहाँ पे लगाना है क्वार्ट्ज का ब्लॉक, जिससे ये क्या गोबर बन गया। आई थिंक हमें इसको ऐसे लगाना है और इसको ऐसे लगाना है, जिससे ये फिर से गोबर बन गया। भाई कैसे बनाते इसको? अबे उसने कैसे बनाया था ये? अच्छा ओके, उसने एक यहाँ पे लगाया था, एक ऐसे लगाया था और एक ऐसे लगाया था, और ये ऐसे लगाया था, नहीं ऐसे लगाया था। क्या अभी स्माइली बनेगा? घंटा ये क्या बन रहा है? कैसे लगाया था इसने? ओ आई थिंक सो ऐसे लगाया था। ओ यस, हमने फाइनली बैकग्राउंड स्माइली बना दी। अगर हमें अभी ये ड्रैगन के हेड को कवर करना है तो हम लोग इसको शायद से ऐसे कवर कर सकते हैं। आई थिंक सो। ओ यस, ड्रैगन का हेड कवर हो गया और हमें ये दूर से स्माइली दिख रहा है। पर क्या हम लोग इस चीज को दीवार पे बना सकते हैं? नहीं, दीवार पे कैसे बनाएंगे, दीवार पे स्लैब लगता ही नहीं है। ओ यस, हमने माइनक्राफ्ट में स्माइली फेस बना दिया। कितना क्यूट लग रहा है माइनक्राफ्ट के अंदर स्माइली फेस। अब पता है ना, दूर से कोई देखेगा ना, उसको देख के बहुत मस्त लगेगा, यार स्माइली फेस है, क्या मस्त है। पर जैसे पास जाएगा यहाँ, उसको दिखेगा ड्रैगन की आंखें और उसकी लिटरली फट जाएगी। भागो यहाँ से, यार ये ड्रैगन वाला स्माइली बहुत मस्त है। पर अनफॉर्चुनेटली हीरो ब्रांड रेसिपी के अंदर हम लोग एंड में नहीं जा सकते, और इसके चक्कर में ड्रैगन का हेड भी नहीं है और हम लोग स्माइली भी नहीं बना सकते। सो एनीवे गाइस, आज के माइनक्राफ्ट टिकटॉक हैक्स के लिए बस इतना है। अगर वीडियो देखकर तुमको मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर मेरे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और तुमसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।